हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेरे एनिमेलिया। एनिमेलिया जो टॉपिक है ये जैव विविधता के अंदर जो हम जगत पढ़ रहे थे उन्हें हम आज एनिमेलिया जगत पढ़ेंगे। इस जगत में हम देखेंगे कि ये जो जीव होते हैं वो यूकैरियोट, बहुकोशीय और विषमपोषी जीव होते हैं। इनमें इनकी जो कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इन्हें नोटोकोड की उपस्थिति के आधार के ऊपर जो होता है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी दो समूह में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है नॉन कॉर्डेटा और फिर है कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा वे जंतु होते हैं जिसमें कशेरुक दंड का अभाव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेटा और बाद में कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर जिन जिन जीवों को शामिल किया गया है वो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलिमेंथिस, एस्केहेलिमेंथिस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ये सब जो जीव होते हैं इसमें जो इसमें कशेरुक दंड का अभाव होता है इन्हें नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है। इस फाइलम को पढ़ने से पहले हम इसके जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसमें है कि आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एनिमल्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहले है एनाइमा और फिर है सेकंड इनाइमा। एनाइमा मतलब आरबीसी की अनुपस्थिति, यानी आरबीसी जो होता है अनुपस्थित होता है और इसमें आरबीसी उपस्थित होता है। इसमें तो जो आते हैं ओवीपेरा और वीवीपेरा। ओवीपेरा जिसमें पिसीस, एम्फीबिया, रेप्टिले और एवीज है। पिसीज के अंदर जो इतनी मछलियाँ उनको रखा गया है। एम्फीबिया में जो पानी के अंदर में जो जीव रहते हैं और बाहर जो जीव रहते हैं जैसे मेंढक, और रेप्टिलिया में जो रेंग कर चलते हैं उन्हें रेप्टिलिया में रखा गया है जैसे सांप, और एवीज के अंदर पक्षी को। वीवीपेरा वे होते हैं, वे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। इन्हें मेटाथीरिया में रखा गया है, यानी इनमें आता है कंगारू जो बच्चे देते हैं। फिर है नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर। तो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी जिसमें वन सेल्स पाई जाती हैं, और मल्टीसेलुलर यानी बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। तो इसमें यूनिसेलुलर में आ गया प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ आते हैं इसमें जैसे अमीबा, पैरामेशियम, और मल्टीसेलुलर यानी मेटाजोआ, यानी इसमें पोरीफेरा फाइलम से लेकर कॉर्डेटा फाइलम तक जितने भी एनिमल्स आते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी उसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, यानी जर्म लेयर के आधार पर इन जीवों को डिवाइड किया गया है। जर्म लेयर जिसमें कि जीवों के अंग निर्धारित किए जाते हैं जैसे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी इनमें दो लेयर पाई जाती है, दो जर्म लेयर पाए जाते हैं। एक तो एक्टोडर्म यानी बाहर की लेयर हो गई, एक एंडोडर्म अंदर की लेयर हो गई। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर थ्री लेयर होगी, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, यानी तीन जो जर्निक लेयर होती हैं वो पाई जाती हैं। डिप्लोब्लास्टिक किस किस में पाया जाता है, एक तो पोरीफेरा हो गया और एक सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा जीव और सिलेंट्रेट होते हैं उसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है प्लेटीहेलिमेंथी से कॉर्डेटा तक जो जीव आते हैं उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। तो हम देखेंगे जैसे पोरीफेरा हो गया, पोरीफेरा में डिप्लोब्लास्टिक पाई जाती है जिसमें पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म तो होगी आउटर लेयर, बाहर की लेयर होगी, और कोइनोडर्म होगी इनर लेयर। तो पिनेकोडर्म जो होती है उसमें पिनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जो कोइनोडर्म होती है उसमें जो होता है कोलर सेल यानी फ्लैजिलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। कोलर सेल्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो ये पिनेकोसाइट सेल्स तो क्या हो गई, आउटर लेयर की जो एक्टोडर्म लेयर होगी वो हो गया, और ये कोलर सेल्स जो होती हैं वो जो एंडोडर्म है यानी इनर लेयर होगी वो हो गया। तो पिनेकोसाइट सेल और कोलर सेल्स ये हो गई, ये जर्म सेल्स हो गई। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री यानी एक्सेस के ऊपर, यानी एक अक्ष पे हम जीव को काटेंगे तो वो कितने भागों में डिवाइड होगा। कोई तो सेम भाग में डिवाइड हो जाता है, कोई अक्ष जो अनिश्चित आकार होता है वो सेम में डिवाइड नहीं होता। तो उसके आधार पर भी जीवों को तीन में डिवाइड किया गया है, यानी एनिमल्स को
एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिक और बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिक यानी वे जंतु होते हैं जिसे किसी भी काट से काटा जाए तो दो समान भागों में डिवाइड नहीं होते। जैसे क्या हो गया, प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया। अमीबा को अनिश्चित आकार होता है जिससे आप इसको किसी भी भाग से काटोगे तो ये इसका कोई निश्चित शेप में ये नहीं कटेगा, मतलब इसका निश्चित समान भाग नहीं विभाजित होगा। रेडियल सिमेट्री जंतु जो किसी भी काट से काटोगे, आप केंद्रीय अक्ष से काटोगे, जैसे ये हो गया, को केंद्रीय अक्ष से काटोगे तो ये दो सिंपल डिवाइड भागों में विभाजित हो जाएगा। तो ये इसमें कौन आ गया, जो सिलेंट्रेट है वो रेडियल सिमेट्री के अंदर आ जाते हैं। तो बायोलेटरल सिमेट्री के अंदर वे जीव आते हैं जिन्हें काटा जाए समान भागों में विभाजित हो जाते हैं, यानी इन्हें तो केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरेंगे वो समान भाग में डिवाइड हो जाएंगे, और बायोलेटरल के अंदर जो काट से काटा जाएगा उनमें समान भागों में विभाजित हो जाएगा। इसमें प्लेटिहेलिमेंथेस से कोर्डेटा, जैसे आप ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, उसको आप बीच में से काटोगे तो वो अलग अलग समान भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये बायोलेटरल सिमेट्री के अंदर आता है। इसमें हम देखेंगे, ये नोट है, यानी इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, सिमेट्रिकल के अंदर कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे सिलेंट्रेट जो फाइलम होता है, सिलेंट्रेट फाइलम के अंदर एक एनिमल होता है सी एनिमोन, ये मैं आपको जब फाइलम पढ़ाऊंगी तब उसके अंदर बता दूंगी। तो इसमें सी एनिमोन जो एनिमल होता है उसमें, सिलेंट्रेट में आपको पता है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन जो सी एनिमल होता है उसमें बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और एक है फाइलम मोलस्का, तो मोलस्का किस में आता है, तो मोलस्का के बायरेडियल, मोलस्का के अंदर जो गैस्ट्रोपोडा होता है, इसकी जो क्लास होती है गैस्ट्रोपोडा, उसमें दो स्टेज है, लार्वा और एडल्ट, यानी लार्वा के अंदर इसमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है और एडल्ट में एसिमेट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है। ये इसके क्या हो गए, सिमेट्रिक जो होता है उसके अपवाद हो गए, एक तो सिलेंट्रेट और एक मोलस्का। सिलेंट्रेट में एनिमोन में बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जो मोलस्का उसकी गैस्ट्रोपोडा क्लास में लार्वा और एडल्ट में बायरेडियल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल सिमेट्री पाई जाती है। ये अपवाद है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ और भी जो क्लासिफिकेशन है वो बचा हुआ है इंट्रोडक्शन, तो मैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अगर ये आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।